देखो भाई सिंचन पिंचन कैसे बिल्कुल ही मस्त लग रहा हमारा जू हाँ फ्रेंकल भैया ये तो बिल्कुल मस्त बना दिया आपने हाँ भाई वैसे टाइम तो लगा लेकिन गाइस आज हमारे पास एक जानवर की इन्फॉर्मेशन आई है जो कि बहुत ही खतरनाक और उसको ही पकड़ के लेके आएंगे भाई सिंचन पिंचन है वो कैसा जानवर है हाँ भाई वो तो तुमको पता चलेगा लेकिन है हमसे ही बड़ा अरे बापरे फिर तो खतरनाक जानवर है वो हाँ गाइस आप वीडियो को लाइक कर लीजिए गाइस क्योंकि आज हम खतरनाक वाला जानवर लेके आएंगे और साथ में यार चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए हाँ सबके सब वीडियो को लाइक कर लेंगे अभी तुरंत कर लिया उन्होंने तो अच्छा भाई सबके सब अच्छे हैं यार इसलिए वीडियो को लाइक कर लिया हाँ भैया चलो अभी ऊपर जाके दिखाओ हमको कौन कौन से जानवर हो गए हमारे पास हाँ भाई तुमको पता कल क्या लेके आए थे हम हाँ पता है हमको अभी ऊपर आज जाके दिखाओगे ना सबको पता चल जाएगा फिर तो हाँ गाय जब ऊपर जाके दिखाता हूँ सबसे पहले तो यार इनको शेर दिखा देता हूँ क्योंकि हर रोज़ बोलते हैं कि हमको शेर दिखाओ यार कितने हैं आज हाँ गाय जा आप काउंट करके बताओ ना आज हमारे पास कितने शेर हो गए हाँ भाई साहब सबके सब, सब सोचेंगे यार कितने हो गए हमने तो काउंट भी नहीं किए हाँ हम तो काउंट भी नहीं करते क्योंकि इनके बच्चे भी तो हैं अभी छोटे छोटे हाँ भाई साहब उन बच्चों को थोड़ा अलग रखा गायज और यहाँ पर हमारे हाथी है अभी भाई हाथियों को देखो यार कैसे कलर चेंज कर रहे आज तो इनके अंदर जाकर ही देखता हूँ ए यहाँ पर मत खुश हो तुमको मार देंगे अरे भाई काउंट कर लेता हूँ वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट कितने हैं यार मेरे को तो काउंट ही नहीं किए मुझको नहीं मालूम रखें तो आप ही काउंट कर रहे हो ना हाँ भाई काउंट तो कर रहा हूँ यार मैं लेकिन मुझको लग रहा है कि एट है हाँ मुझको भी लग रहा है एट ही है हाँ गायच आप भी बताओ यार हाथ ही कितने हैं आज हैं मुझको लगता है एट ही भी है चलो भाई साहब हाथ है हो तो हमने काउंट कर ही लिया अभी गाय को भी काउंट लेते हैं भाई हैं करो करो फेंक ली भैया वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन ओह भाई साहब नाइन है क्या सच में हाँ गायज आप ही बताओ कितनी है हमारे पास गाय मुझको तो नाइन लग रही है हाँ भाई मुझको भी नाइन ही लग रही है चलो कोई नहीं गाइज हमारे पास नाइन काव है एट एलिफेंट है और मेरे को भाई शेरे का नहीं पता है शेरे का तो हमने भी नहीं पता उनको तो काउंट ही नहीं किया चलो कोई नहीं भाई अभी ऊपर जाकर देखते हैं और कौन कौन से जानवर हो जाए जाएंगे हमारे पास हाँ भाई डोगी तो है इनको ध्यान मत दे तू भाई ये डोगी खतरनाक है हाँ मुझको भी लगता है डोगी है तो खतरनाक और गाय सामने देखो हॉर्स है हमारे पास ओ भाई साहब हमारे पास कितने हॉर्स हो गए यार ये भी काउंट करें क्या हाँ भाई करो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन सिक्सटीन भाई मेरे को तो काउंट ही नहीं करने हो रहे भाई इतने सारे ए, क्यों नहीं हो रहे फ्रेंड भैया अरे भाई मुझको नहीं मालूम गाइस आप ही बताओ यार नीचे कमेंट्स के अंदर कितने हॉर्स है हमारे पास हाँ मुझको तो कुछ ज़्यादा ही लग रहे हैं ओ भाई सब वैसे है खतरनाक यार सारे के सारे हाँ फ्रेंड भैया इतने खतरनाक वाले हॉर्स तो हमने देखे भी नहीं हाँ भाई सच में नहीं देखे अलग अलग कलर के हैं थोड़े से हाँ ये तो है अभी वैरायटी है ना इनके अंदर हाँ भाई वैरायटी तो और काश अभी देखते हैं यार कौन सा जानवर लेके आएंगे आप बोल रहे थे बहुत ही बड़ा जानवर लेके आएंगे हाँ भाई वैसे जानवर बहुत ही खतरनाक है यदि तुमको देख लिया ना भाई वो तुम तो बिल्कुल बेहोश ही हो जाओगे ऐसा क्या लेके आओगे आज हाँ भाई दिखा दूंगा तुमको क्या लेके आऊंगा और गैज यहाँ पर हमारे पिग है जो कि बहुत ही ज्यादा संख्या के अंदर और ऊपर भी देख ही लिया हो गायज आपने हमारे पास पैंथर है हाँ गैज हमने देख ही लिया है और अभी चलते हैं प्रकृपया जल्दी करो तुम हाँ भाई सिंचन पिंचन जल्दी तो कर रहा हूँ मैं हाँ फिर तो ठीक है अरे बापरे जंप लगा दिया फिर से तुमने हाँ भाई जंप तो लगा दिया चलो गाइस अभी नीचे की तरफ चलते हैं क्योंकि हमको लेके आने अभी बहुत सारे जानवर जो कि बहुत ही मस्त होने वाले हैं हाँ वो तो मस्त ही होंगे लेकिन हमसे बड़े भी हाँ भाई वैसे हमसे बहुत ही बड़ा जानवर है जो आज लेके आएंगे अरे बाप रे फिर तो सरप्राइज ही रहेगा उसका हाँ भाई साहब ये बात तो बिल्कुल सही है तुम्हारी चलो गाय जब यहाँ पर तो हम आ चुके हैं अभी एलिफेंट को तो हम देखेंगे नहीं क्योंकि यहाँ पर तो हम बार बार आए हैं और गाय जब तो बस नीचे ही उतर जाता हूँ हाँ अपने भैया जल्द दिया हम तो वेट कर रहे हैं और फिश को देखो नीचे आकर ओ भाई क्या हो गया फिसको मुझको लगता बीमार हो गई नहीं भाई ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ यार ए मैंने देखा अभी अच्छा भाई सिंचन पिंचन चलो गाय एक बार को भी देख लेते हैं क्या पता उनको यार क्या दिक्कत हो गई हो हाँ मुझको तो लगता है वो बीमार है बहुत ज़्यादा ओ भाई साहब ये क्या हो गया गायज ये तो बहुत ही मुसीबत वाली बात है यार अब फिसको कैसे ठीक करेंगे ए, तुम चाहो जैसे भी कर सकते हो अभी हमारे जू को मत देखो इतनी दूर से चलो गायज एक बार फिश को देखने के लिए मेरा मन तो कर रहा है चलो देख के ही आता हूँ हाँ, देखो देखो जल्दी से अभी कहाँ जा रहे हो अरे भाई दूर से एक बार मैं हमारा जू देख लेता हूँ उसके बाद फिशों को देख लेंगे हाँ फिर तो ठीक है अरे बाप रे बाप कितना अच्छा जू लग रहा है फ्रेंकली भैया ओ भाई साहब क्या ही जू लग रहा है यार ये तो बिल्कुल मस्त लग रहा है मेरे को तो हाँ, मुझको लगता है सबसे बेस्ट जू हमारा ही है हाँ भाई और किसी का जू है ही नहीं लो सेंटर्स के अंदर हमारे जू जैसा तो हाँ तभी तो फ्रेंकली भैया अभी हम फिश को देखेंगे ना हाँ भाई फीस को देख लेते हैं चलो गायज हमारी फीस तो भाई बिल्कुल सही है लेकिन ये ऐसे क्यों कर रही थी पहले अरे भाई वैसे ही कर रही तो तुमको लगा हुआ कि ये बीमार है लेकिन ऐसा कुछ नहीं भाई चुप तुम संभाल लेना इनको अरे ठीक अब राह संभाल लूंगा जाओ तुम चलो घाय जब तो मैं बाहर आ चुका हूँ और यहाँ पर हमने चौप को छोड़ रखा है यार हमारी फीसों के पास ताकि वो इनको संभालता रहे और खाना भी खिलाता रहे हाँ ये तो ज़्यादा ही खाना खिलाता है कुछ चलो भाई जल्दी से आ जाओ या तो रहे हैं अभी रुको तो चलो घाये अभी हमारे सिंचन पिंचन में बैठ चुके हैं गाड़ी के अंदर और अभी हम निकलते हैं एक ऐसी जगह के लिए जहाँ पर हमको मिलने वाला है बहुत ही बड़ा जानवर एक ही मिलेगा क्या नहीं भाई वो बहुत ही ज़्यादा जानवर है वहाँ पर और उनको ही ले आएंगे हम और तुम बोलोगे भाई सिंचन बिंचन क्या ही जानवर लेके आया है हाँ, फिर तो ठीक ही हो जाएगा फ्रंकली भैया तुम तो वैसे मस्त हो अच्छे अच्छे जानवर हमारे जू के अंदर ऐड कर रहे हो हाँ भाई काफ़ी दिन हो गए हमको अभी बहुत बड़ा जानवर नहीं आया था ना हमारे पास छोटे छोटे जानवर लेके आ रहे थे हम आज तो मैंने सोच ही लिया यार आप तो बहुत बड़ा जानवर लेके आएंगे या फिर कोई भी नहीं लेके आएंगे फिर तो ठीक ही है फ्रंक्लिबिया जल्दी से घुमाओ इस गाड़ी को चलो भाई यहाँ से तो राइट ही ले लेता हूँ यार अभी दूसरी साइड से नहीं जाएंगे हमें अभी संभल कर जाना होगा यार वो जानवर कहीं पर भी मिल सकते हैं उनको देख कर हमको उनको पकड़ना है वीरते ठीक है कहाँ पर मिलेंगे वो हाँ भाई अभी उनकी लोकेशन पर तो जा ही रहा हूँ अभी यहाँ पर क्या हो रहा है भाई सामने क्या होना है भाई वो ये तो शेर है अच्छा भाई साहब हमारी गाड़ी के सामने देखो कैसे दौड़ रहा है भी? इसको ये नहीं पता कि अभी हम उतरेंगे यहाँ पर और इसका गोली मारकर कर कर देंगे बहुस करो जल्दी वो तो भाग रहा है अरे जल्दी करो ओ भाई साहब वो कहाँ तक जाएगा भाई उसको नहीं जाने दूंगा मैं देखो देखो वो तो भाग ही गया ओ भाई साहब ये तो बहुत ही खतरनाक तरीके से दौड़ रहा है यार और यहाँ से इतनी जल्दी कैसे भाग सकता है और ये तो हमारे भाई हाथ भी नहीं आया भैया अभी चलो ना तुम कहाँ बोल रहे थे अरे भाई साहब मैं बोल तो रहा था लेकिन ये शेर तो हाथ नहीं आया हा, हमारे कोई तो नहीं गाय जब हम वहीं पर चलते हैं जहाँ से हमको बड़े वाला जानवर लेके आना है लेकिन जानवर कौन सा बता तो दो अरे भाई वहीं पर चल कर तुमको सरप्राइज मिलेगा भाई तुम बोलोगे हम तो बिल्कुल ही खुश हो गए कितने दिन से उस जानवर के लिए हम तड़प रहे थे ऐसा क्या हाँ भाई ऐसा ही है चलो बैठ जाओ गाड़ी के अंदर जल्दी से अरे बापरे फिर तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ गाय जा कितने एक्साइटेड हो और ज्यादा ही एक्साइटेड एक्साइटेड ना तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर लीजिए और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए हाँ गाइस और आप कमेंट्स के अंदर बताओ यार हम वो कौन सा जानवर लेके आने वाले हैं आज जो कि हम उसके लिए बहुत ही एक्साइटेड हो रखे हैं मुझको तो पता लग रहा है फ्रेंकली भैया अच्छा भाई क्या लग रहा तेरे को मुझको लग रहा बाघ लेके आओगे आप नहीं भाई साहब और जिराफ अरे भाई जिरा भी नहीं लेके आऊँगा फिर तो क्या लेके आओगे मुझको तो कोई आइडिया नहीं है हाँ भाई थोड़ा सा और सोचो यार ए, क्या सोचूं यार आप ही बताओ गए नीचे कमेंट्स के अंदर कौन सा जानवर हो सकता है हाँ भाई ये तो बता देंगे इनकी चिंता मत कर अभी मेरे को बस यहाँ पर गाड़ी को उतारने दे नीचे अरे ध्यान से कहीं पलटाना दो नहीं भाई साहब ऐसे कैसे पलटा दूंगा मैं ले भाई क्या ही दौड़ रही है यार गाड़ी नीचे की तरफ अरे रे बाप रे बाप ठोकोगे कहीं ना कहीं तो नहीं भाई कहीं पर भी नहीं ठोकूँगा अरे भाई सच में ठोक ना जाए नहीं ऐसा मत करना भैया चलो गायज हमने कैसे ना कैसे करके गाड़ी का तो नीचे की तरफ लेके आ चुके हैं और नीचे तो भाई रोड दिख रहा है अभी इसके ऊपर ही चलाएंगे ऐसा क्या ले भाई साहब तुमने बोला ऐसा क्या और मैंने यहाँ पर गाड़ी को लगा दिया इन हाथियों के पीछे अभी हाथियों को तो नहीं पकड़ेंगे यार क्योंकि हमारे पास बहुत ही ज़्यादा हाथी हो चुके हैं हाँ फ्रंकली भैया फिर तो ज़्यादा ही हो जाएंगे यदि आपने एक बार और पकड़ लिया तो हाँ गायज क्या आप चाहते हो हमारे पास हंड्रेड शेर होने चाहिए हंड्रेड हाथी ताकि हमारा जो बहुत ही बड़ा हो जाए क्योंकि आप ये चाहते हो कि सारी सारी की सारी चीजें होनी चाहिए यानी कि जितने भी हमारे पास एनिमल्स है सारे के सारे हंड्रेड हंड्रेड क्वान्टिटी के अंदर होने चाहिए ए, फिर तो मजा ही आ जाएगा ना फ्रेंकली भैया हाँ भाई मजा तो आ ही जाए क्योंकि हंड्रेड हंड्रेड हो गए तो उसके बाद तो भाई हमारा जो भी बड़ा हो जाएगा ना ए, फिर तो होने तो क्या दिक्कत है आपको हाँ भाई हमारे पास बहुत ही ज़्यादा जानवर हो जाएंगे और उनको संभालेंगे कैसे संभाल लेंगे चिंता मत करो तो गज देखते हैं आप कैसे बताते हैं हमको नीचे कमेंट्स के अंदर यदि आप कहोगे कि हमारे पास हंड्रेड हाथी होने चाहिए हंड्रेड शेर होने चाहिए और सारे के सारे ऐसे जानवर होने चाहिए जो कि बहुत ही पावरफुल हो हाँ गज देखते हैं आप क्या बताने वाले हो नीचे कमेंट्स में हाँ गाय जब भी चलते हैं बस हमारे उस पहाड़ी के ऊपर अभी सामने दिख रहा ना तेरे वो भाई सिंचन पहाड़ वो तो बहुत ही बड़ा है ना हाँ भाई उसी माउंटेन के ऊपर चलेंगे और वहीं पर मिलने वाले हमको वो जानवर अरे बाप रे इतनी ऊंचाई पर मिलेंगे वो हाँ भाई अक्सर वो ऊंचाई पर ही रहते हैं और वो बहुत ही खतरनाक है भाई मैं बता भी नहीं सकता ये बात तो बिल्कुल सही कही प्रकल भी आपने अपने फिर तो ख़तरनाक ही होंगे अभी हम गैस भी नहीं कर सकते कौन सा जानवर हो सकता है वो हाँ भाई कर तो सकते हो अभी कोई आइडिया हो जिराफ तो हमने पहले ही बोल दिया था नहीं भाई वो तो नहीं है फिर क्या हो सकता है शेर भी बोल दिया था वो तो हमारे पास वैसे भी है पहले हाँ भाई शेर जो हमारे पास चीज़ है ना उसको तो हम लेकर ही नहीं आएंगे नया जानवर ले आएंगे भाई सोच ले मुझको नहीं मालूम फिर अभी तुम ही चल के बताओ चलो गाय जब आखिरकार हम इतनी ऊंचाई के ऊपर पहुंच ही चुके हैं और यहां पर पहुंचने के बाद हमको उस जानवर को ढूंढना होगा क्योंकि मेरे को यहीं पर लोकेशन लग रही है उसकी कि वो यहीं पर मिलने चाहिए अक्सर मैं उनको यहाँ पर देखता था ए, फिर तो ठीक है अक्सर देखते तो आज भी दिख जाएगा ना हाँ भाई आज दिख गए ना फिर तो हम साथ में लेके चलेंगे चलो गाइस देख लेता हूँ पहले नहीं भाई साहब यहाँ पर भी नहीं दिख रहे यार कहाँ गए वो आपको ही मालूम है ना फ्रेंकली भैया हाँ भाई मैंने उनको देखा था पहले कभी यहाँ पर लेकिन आज तो नहीं दिख रहे ना अरे भाई आज भी दिख जाएंगे अरे भाई साहब सच में दिख गया भाई सिंचन क्या है वो अरे भाई भालू अरे बाप रे हम भी सोच रहे थे कि वो भालू ही होगा अभी ध्यान से भैया अरे भाई इससे तो बच के रहना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही बड़ा शरीर का है भालू है ये तो भाई एकदम से अटैक भी कर सकता है ए, ऐसा भी कर सकता है ये मुझको लगता है हमारे ऊपर हाँ भाई कर सकता अभी ध्यान से देखते हैं यहाँ पर ओ भाई साहब खतरनाक यार ये तो चलो इसको टपकाओ अभी देखो गाय जब इसको

हमारे पास तो बहुत ही ज्यादा हो जाएंगे ए, फिर तो मजा ही आ जाएगा चलो चलो इसको अभी गाड़ी के अंदर डालते हैं और जहां पर वो दूसरे दिखे हैं ना वहीं पर चलते हैं हाँ भाई उनसे बच के रहना कहीं वो तुमको देख ना ले यदि तुमको देख लेंगे ना तो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे कोई दिक्कत नहीं है उनकी तरफ हम देखेंगे ही नहीं यार हम तो गाड़ी के अंदर ही रहेंगे हाँ भाई फिर तो सही और देखो गाय यार गाड़ी के अंदर तो एक ही भालू आएगा मुझको नहीं लगता यार और ज़्यादा आएंगे हाँ मुझको भी लग रहा है अभी तो इसी को ही ले चलेंगे फिर घर हाँ भाई सबसे पहले उनको भी बेहोश कर देते हैं क्या बताओ यहाँ से भाग जाए हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही आपने इनको भी बेहोश कर देंगे अभी कहाँ हैं वो अरे भाई सामने खड़े हुए हैं दोनों के दोनों तो गाइस कोई नहीं अभी मैं गाड़ी को लेकर उनके बिल्कुल पास में जाता हूँ ताकि उनके पास जा उनको सीधा एम करके हम गोली मारें और वो बेहोश हो जाए हाँ फिर तो ठीक ही है अभी जल्दी से मरें उनको चलो ख्वाहिश अरे भाई एक और मिल गया तीन हो गए यहाँ पर तो नहीं। फिर तो हमारे पास चार हो जाएंगे ना हाँ भाई ले भाई इसको तो बेहोश कर ही दिया अभी सामने वाले को करके देखता हूँ लेकिन भाई वो तो भाग रहा है यार भागो भागो फ्रेंडली भैया अभी जल्दी से इसको ढूंढो ना तुम अरे भाई ढूंढने की कोशिश करो अभी उसका पीछा करूँगा यार कहाँ गया वो अभी तो दिखाई नहीं दे रहा अरे बाप रे भाग गया क्या वो हाँ भाई मुझको तो लगता भाग ही गया यार कहीं कहीं तो गया होगा यार वो मुझको नहीं लग रहा कि वो मिलने वाला है मेरे को अरे बाप रे तुम हमने तो एम मिस कर दिया और एक भालू को भी भगा दिया हाँ भाई साहब वो तो भागना ही था अरे भाई साहब नीचे की तरफ देखता हूँ नहीं यार गया तो गया कहाँ वो अरे अरे गया तो गया हमें को क्या पता अभी तुम ही देखो ओ भाई मैं तो देख रहा हूँ यार लेकिन पीछे की तरफ भी देखो तुम ए, वहाँ पर तो नहीं है वो वो तो नीचे ही गया चलो यार छोड़ो उसको अभी एक भालू और बाकी उसको भी बेहोश कर लेते हैं उसके बाद भाई हमारे पास तीन भालू हो जाएंगे हाँ फिर तो दोबारा से यहाँ पर आकर फिर से हम एक ट्रक भर ले के लेके जाएंगे ना इनका हाँ भाई लेके ही जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा संख्या के अंदर भालू घूम रहे गायज और इनको पकड़कर हमारे जू के अंदर तो पक्का ही डाल देंगे इस भालू को बेहोश कर दिया मैंने ए, देखो देखो अभी हमारे पास तीन भालू हो गए वो भी बेहोश हो चुके हैं तीनों के तीनों हाँ भाई लेकिन इनको गाड़ी के अंदर नहीं डाल सकते गाड़ी के अंदर तो बस एक को ही ले चलेंगे हाँ कोई दिक्कत तो नहीं अब नकली भैया अभी ऊपर की तरफ आ जाओ आप चलो गायज यहाँ पर हमारे सिंचन पिंचन खड़े हुए हैं और ये भाई क्या सोच रहे हो तुम मुझको लगा फेंकली भी हम तीनों को तीनों भालुओं को डाल लेंगे नहीं भाई हम तो एक को ही ले जा सकते हैं यदि तीनों को गाड़ी के अंदर डाल लिया ना तो भाई साहब दोनों के दोनों मर जाएंगे और जो ऊपर रहेगा वो बच जाएगा ए, फिर तो रहने दो एक को ही ले चलो चलो गाइस फिर तो एक वही लेके चलेंगे क्योंकि यार ये तीनों को तीनों यहाँ पर नहीं आ पाएंगे एक का ही जगह है हमारी गाड़ी के अंदर हाँ चलो फिर तो गाड़ी को भी यहाँ पर लेके आओ हमारे पास हाँ भाई लेके तो आ रहा हूँ देखो गाइस कैसे एक ही भालू हमारी गाड़ी के अंदर सारा का सारा स्पेस घेर के रखा हुआ है हाँ ये तो वैसे हैवी बड़ा और कितना मोटा है ओ भाई साहब वैसे सच में यार ये तो बहुत ही है हैवी है यार तो, तो हमारी गाड़ी भी फील करेगी कि इतना हैवी चीज क्या रख दी है गाड़ी के अंदर हाँ मुझको भी लग रहा है कि गाड़ी फील करेगी और गाड़ी चलते पड़ेगी ना हाँ भाई चलता रही है इसके वजन से थोड़ी ना गाड़ी रुकेगी यार चलो फिर तो गए जिन दोनों के दोनों भालुओं को तो बाद में लेके जाएंगे तो अकेले को लेके जाएंगे हां भाई अकेले को लेके जाएंगे तो खास देखो यार कितना नैरो रास्ता यार इससे कैसे निकालो मैं गाड़ी को निकालो निकालो कैसे तो हाँ भाई गाड़ी पलट भी सकती है ध्यान से बैठे रहना तुम हाँ हम तो ध्यान से ही बैठे हैं बस तुम ध्यान से गाड़ी चलाते रहो ओ भाई साहब मैं तो गाड़ी ध्यान से ही चला रहा हूँ लेकिन गाइस यहाँ पर रास्ता बहुत ही गंदा आ चुका है यार यहाँ से गाड़ी कहीं भी जा सकती है अरे ध्यान से भैया कहीं तुम ठोक ना दो नहीं भाई ठोकूंगा नहीं और देखो भाई हमारा भालू नीचे गिरने वाला है अरे अरे ऐसे कैसे गिर जाएगा साइड में हो गया ये तो चलो भाई साहब ये तो अच्छी बात ही हो गई क्योंकि यार मुझको तो लग रहा था कि भालू नीचे ना गिर जाए ओ भाई साहब यहाँ पर कहीं ना कहीं गिर गया ना भाई दिक्कत हो जाएगी ये नहीं गिरेगा बस तुम गाड़ी को ध्यान से चलाओ हाँ भाई चलाता रहूँ भाई वो दूसरा भालू भी यहाँ पर मिल जाए ना उसको भी यहीं पर भेंस करके गाड़ी के अंदर पक्का डाल लूँगा मैं ए, लेकिन और मिलेगा तो नहीं हाँ भाई मिल भी सकता है और दूसरा जानवर भी मिल सकता है यहाँ पर जो भी जानवर हमको सामने आते हुए दिखेगा उसको भी भ्योश करके गाड़ी के अंदर डाल लेंगे ताकि हमारे पास और भी जानवर हो जाए हाँ ये बात तो बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर और कुछ नहीं मिलने वाला मुझको नहीं लगता यहाँ पर और कोई जानवर रहता होगा हाँ भाई साहब मुझको भी नहीं लग रहा यार लेकिन भाई कुछ भी मिल सकता हमको यहाँ पर छोड़ो अभी कोई भी जानवर लेके नहीं जाएंगे पहले तो हम ट्रक लेके वापस आएंगे ना यहाँ पर ताकि उन दोनों भालुओं ले जाएं घर पे हाँ भाई उनको भी लेके जाना ही पड़ेगा चलो कोई नहीं गाय जब इस भालू को तो घर पे छोड़ के आएंगे ताकि ये भी अच्छा लगे हमारे जू के अंदर हाँ ये तो अच्छा लगे हीगा क्योंकि इसके बिना तो हमारा जो सुना सुना लग रहा था हाँ भाई लग तो रहा था लेकिन भाई तुम क्या बोल रहे थे कि हम जिराफ लेके आएंगे हाँ उसको भी लेके आओ ना फ्रिंकल भैया हाँ भाई लेके तो मैं भी आने की सोच रहा हूँ क्योंकि यार जिराफ बहुत ही मस्त वाला जानवर है उसको देखने के लिए लोग आते हैं बहुत हाँ फ्रिंकल भैया आप नीचे कमेंट्स के अंदर भी पूछो गाइज क्या आप भी चाहते हो कि हम जिराफ लेके आए हाँ भाई आप नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ गाय हमको कौन कौन से और जानवर लेके आने चाहिए यार क्योंकि भाई हमारे पास बहुत ही कम जानवर है अभी भी हमको बहुत ज्यादा जानवरों को लेके आना पड़ेगा हाँ ये बात तो है लेकिन कौन कौन से लेके आए हमको तो मालूम भी नहीं है हाँ भाई नीचे कमेंट्स के अंदर सब के सब बता देंगे कि हमको और कौन कौन से जानवर लेके आने चाहिए जो कि हमारे पास है नहीं क्या हमको इन जानवरों की भी क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए यानी कि हमारे पास हंड्रेड भालू होने चाहिए हंड्रेड शेर और हंड्रेड हाथी ये भी बताओ इस नीचे कमेंट्स के अंदर हाँ सारी की सारी चीज़ें बता दो आज तो और साथ में वीडियो को भी लाइक कर लीजिए हाँ भाई वीडियो तो इन्हें पहले ही लाइक कर लिया भाई जब ये देखना शुरू करते हैं ना तभी वीडियो को लाइक कर लेते हैं ये ए, फिर तो बहुत ही प्यारे बंदे हैं ये हाँ भाई बहुत ही अच्छे हैं चले कोई नहीं अब तो मैंने गाड़ी नीचे ही उतार दी अरे भाई मैं हूं, तो उतार रहा हूँ तू कहाँ उतार रहा है गाड़ी को छोड़े भी ऐसी बात तो अभी तुम गाड़ी पर ध्यान दो हाँ भाई गाड़ी चलाने पर ही ध्यान दे रखा मैंने तो और गाय जब भी बस हम घर पहुँचने ही वाले हैं और उसके बाद तो भाई साहब सारे के सारे जानवर भी डर सकते हैं यार इस भालू से ए, भालू से नहीं डरते जानवर जानवर तो शेर से डरते हैं हाँ भाई वैसे भालू से, भालू से भी डर जाते हैं यार क्या भालू से तेज होता है शेर क्या पता भाई सिंचन पिंचन क्या होता है मुझको तो लगता है यार शेर ही ताकतवर होगा इनकी फाइट करवा दें क्या हाँ भाई ये भी हो सकता है गायज आप नीचे कमेंट्स के अंदर बताओ कि हमें किस एनिमल की किस एनिमल के साथ फ़ाइट करवानी चाहिए ताकि उनके अंदर हम जान सके कि सबसे पावरफुल कौन सा जानवर होता है हाँ ये बात तो बिल्कुल सही कही भी निकली भैया हम इनकी फ़ाइट भी करा के देखेंगे हाँ भाई साहब ये तो बहुत ही मस्त आइडिया है यार चलो कोई नहीं भाई अभी नीचे उतर जाओ अभी मैं नीचे जाकर भी देखता हूँ कि सारा माहौल ठीक है या फिर कोई गड़बड़ तो नहीं मुझको नहीं लगता कि कोई गड़बड़ होगी और देखो गायज आखिरकार हमारे पास भालू भी आ गया हाँ गाय हमारे पास भालू भी आ गया शेर भी आ गया हाथी भी आ गया बहुत ही पावरफुल जितने भी जानवर और मुझको लगता है पावरफुल जानवरों के साथ हाँ भाई यही तो मैं कहना चाह रहा हूँ तुमको अरे बापरे मैं तो बहुत ही हमारा जू कैसा बनेगा अभी और आगे ओ भाई आगे तो बहुत ही मस्त बनने वाला तू सोच भी नहीं सकता मजा ही आ जाएगा अभी अभी हम कैट भी 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 लेके आएंगे रेट और भाई वो जानवर तो तो छोटे वाले बाकी है तो जैसे कि आपने देख ही लिया कि हम आज लेके आए हैं भालू और हमारे पास काफी सारे जानवर हो चुके हैं तो गायज अभी नेक्स्ट वीडियो के अंदर देखने वाले कि हम कौन सी चीज लेके आए और आप नीचे कमेंट्स के अंदर जो भी नाम लोगे क्या आप हम उसी चीज को ले आए हाँ फिर तो आपके मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में सो थैंक यू वेरी मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो